लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी के निधन के बाद कौन लेगा शो में उनकी जगह। सब टीवी के प्रसिद्ध शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार आजाद का आज दोपहर को निधन हो गया, जिससे पूरा टीवी जगत हक्का बक्का रह गया है। डॉक्टर हाथी करीब पिछले 8 सालों से इस शो का हिस्सा बने हुए थे। डॉक्टर हंसराज हाथी के किरदार से वो बच्चों और बड़ों सबके फेवरेट बने हुए थे। शो में वो हमेशा सही बात है बोलते हुए नजर आते थे और जब देखो कुछ न कुछ कहते रहते थे। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत की खबर सुनते ही तारक मेहता शो के निर्माता असित मोदी और उनकी पूरी टीम उनको मिलने हॉस्पिटल गई और सबने उनकी मौत पर दुख जताया। बॉलीवुड फिल्मों में दिखा चुके थे अपना कमाल कवि कुमार आजाद, बॉलीवुड की फिल्मों में भी अपनी कॉमेडी का तड़का लगा चुके थे। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म फंटूश, बादशाह जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था। इसके अलावा वो भोजपुरी पूरी फिल्मों में भी काम कर चुके थे। अब कौन निभाएगा उनका ये किरदार बिना डॉक्टर हाथी के? इस शो की टीआरपी गिरना तो तय है, ऐसे में अब उनका ये किरदार शो में कौन निभाएगा? उसमें जो पहला नाम ध्यान में आ रहा है वो है निर्मल सोनी का, जो कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में पहले भी दिखाई दे चुके हैं। आपको अगर याद हो तो जब ये शो शुरू हुआ था तो निर्मल सोनी ही थे जो डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभाया करते थे। उसके बाद ये रोल कवि कुमार आजाद करने लगे, लेकिन उनके जाने के बाद अब फिर से चैनल के निर्माता असित मोदी को उनको ही वापस शो में लाना पड़ेगा।